ऐसा लगता है जैसे पंजाब पुलिस से अमृतपाल छुद्म छुपाई खेल रहा हो। पुलिस को अमृतपाल के छिपे होने की जानकारी जैसे ही मिलती है अमृतपाल फरार हो जाता है, अमृतपाल आगे आगे तो पुलिस पीछे पीछे। इन सब के बीच खबरें आ रही हैं कि अमृतपाल किसी गुरुद्वारे में सरेंडर कर सकता है। पंजाब पुलिस कह रही है कि अमृतपाल जहां चाहे वहां सरेंडर कर सकता है। पंजाब पुलिस गलियों की खाक छान रही है। अमृतसर से फरीदकोट, फरीदकोट से पठानकोट, फिरोजपुर से गुरदासपुर, गुरदासपुर से होशियारपुर, मगर अमृतपाल का कहीं कोई पता नहीं है। 13 दिन से पुलिस को चकमा देता आ रहा भगोड़े अमृतपाल के एक बार फिर पंजाब में होने को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। जगह जगह चेकिंग हो रही है, पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ तलाशी के मोर्चे पर डटी हुई है, लेकिन अमृतपाल पंजाब पुलिस से बहुत दूर है। पुलिस उसका पीछा करती जरूर है, लेकिन वो हर बार हाथ से निकल जा रहा है। मंगलवार रात उसका पीछा करते हुए पुलिस होशियारपुर के मरनायान गांव तक पहुंच गई, लेकिन उसकी यहां से भी फरार होने की बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि अब वो अमृतसर पहुंच सकता है। अमृतसर में अमृतपाल को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं, चेकिंग की जा रही है। अमृतपाल को लेकर पंजाब के 3 जिलों अमृतसर, भटिंडा और रूपनगर में हाई अलर्ट है। हर जगह खुफिया विभाग की टीमें तैनात हैं। अमृतपाल के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचने की ज्यादा उम्मीद की जा रही है। यही वजह है कि यहां पुलिस खास एहतियात बरत रही है। पंजाब पुलिस कहती है कि अमृतपाल को जहां सरेंडर करना हो वो वहां सरेंडर करते हैं। यही कहूंगा। अमृतपाल 18 मार्च को पंजाब से फरार हुआ था। इसके बाद वो जगह जगह घूमता हुआ पाया गया। सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें कैद हुई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से लेकर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और देश की राजधानी दिल्ली तक वो पहुंचा, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं लग सका। इसके बाद उसके होशियारपुर पहुंचकर वहां से फरार होने की बात सामने आई। ऐसे में सवाल है कि कैसे अमृतपाल को पुलिस की हर कार्रवाई की जानकारी हो जाती है। पुलिस ने उस स्कॉर्पियो गाड़ी को भी बरामद कर लिया है जिसका इस्तेमाल उसने भागने के लिए किया। ये गाड़ी नेपाल और उत्तराखंड सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के एक गुरुद्वारे के ग्रंथी की निकली। बताया जा रहा है कि फगवाड़ा से अमृतपाल स्कॉर्पियो छोड़कर इनोवा कार से फरार हो गया। उत्तराखंड नंबर की स्कॉर्पियो जिसे गुरुद्वारे के ग्रंथी की बताई जा रही है, उसके मुताबिक उन्होंने इस गाड़ी को गुरुद्वारे के सेवादार को दे रखी थी, लेकिन ये गाड़ी अमृतपाल तक कैसे पहुंची इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अमृतपाल के साथियों पर शिकंजा कसा और वो खुद भागता फिर रहा है। इस दौरान पुलिस उसका पीछा भी करती है। वो जिस गाड़ी का इस्तेमाल करता है वो भी मिल जाती है, बस हाथ नहीं आ रहा है तो अमृतपाल। पुलिस कवायद में जुटी जरूर है, लेकिन अमृतपाल उसकी गिरफ्त में कब होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पीलीभीत से सौरभ पांडे, अमृतसर से अक्षय ढोंगरे, मंजीत सहगल और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।